हेलो एवरीवन, विशाली हियर। वेलकम बैक टू व्यूअर चॉइस। विशा जी, वीडियो में जाने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो फॉर मोर अपडेट्स। उनके मैंने डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। सो थंबनेल से आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि आज मैं क्लोथिंग हॉल आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको जितनी भी कुर्तीज दिखाने वाली हूँ वो ज्यादा से ज्यादा 250 रुपीज की हैं, उससे ज्यादा की नहीं है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे कम से स्टार्ट करते हैं। सो जितने भी कुर्ते मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ वो मैंने बापू मार्केट जयपुर से परचेज किए हैं। सो ये है पहला कुर्ता, सी ग्रीन कलर का कुर्ता है। सो 3/4 इसकी स्लीव है। जो कुर्ता है फ्रंट और बैक वो एकदम प्लेन है, लेकिन सो फ्रंट साइड के जो बॉटम पार्ट है उसपे ये फैब्रिक अलग से लगा रखा है कुछ इस प्रिंट वाला, और इसकी जो स्लीव है उसपे भी अलग फैब्रिक है। जो फैब्रिक का मटेरियल है काफी सॉफ्ट है। सो गाइस, काफी सिंपल लुक है इस कुर्ती का, काफी सिंपल है, काफी प्लेन है, लेकिन पहनी हुई ये कुर्ती काफी ज्यादा क्लासी लुक देती है। सो आई रियली लाइक दिस कुर्ती। ये थोड़ा सी थ्रू है तो इसके नीचे आपको कैमिसोल या फिर स्पेगडी पहननी पड़ेगी। सो जो मैंने थर्ड कुर्ता परचेज किया है वो है ये व्हाइट एंड पिंक कलर का कॉम्बिनेशन है ये, और इसका जो बॉटम पार्ट है वो कुछ इस तरीके से है। तो इसके जो नेक है वहां पे बैन है और नीचे की तरफ ऐसे बटन लगे हुए हैं। तो जो ये वाला बटन वाला पार्ट है ये स्टिच है, यानी कि ये ओपन नहीं होगा, ये गाइस इसका जो ये वाला पार्ट है ये ऐसा लुक देता है कि ये पॉकेट है, बट ये पॉकेट नहीं है, ये सिर्फ इल्यूजन देता है पॉकेट की। इसकी जो स्लीव है 3/4 स्लीव है, एंड इसके अंदर आप देख सकते हो काफी सारे कलर्स हैं। सो आप इसको पिंक के साथ, ब्लू के साथ, या फिर व्हाइट लेगिंग के साथ वेयर कर सकते हो, या फिर आप प्लाजो के साथ भी इसे वेयर कर सकते हो, अदरवाइज आप इसे जीन्स के साथ तो वेयर कर ही सकते हो। सो अगेन मैंने इसे 100 रुपीज में परचेज किया था। कॉटन का फैब्रिक है ये, तो हल्का सा सी थ्रू है। सो वैसे वो है ये ब्लॉक प्रिंट की। आजकल ब्लॉक प्रिंट कुर्तीज जो है वो काफी ज्यादा ट्रेंड में चल रही है। राउंड नेक है इसका, काफी ज्यादा डीप नेक नहीं है इसका, तो पहनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसे डेली वेयर में। तो इसका जो बॉटम पार्ट है उसके फ्रंट पार्ट पे इस तरीके से पोमपोम वाली जो लेस है वो लगी हुई है। सो ये कुर्ती मुझे काफी ज्यादा लॉन्ग है तो मुझे ये नीचे से छोटी करनी पड़ेगी। स्लीवलेस है, इसके अंदर भी कोई स्लीव नहीं दी हुई है। अगर आप कॉलेज गोइंग हो या फिर ऑफिस आप जाते हो तो ये कुर्ती काफी अच्छी लगेगी। अगर आप चाहो तो इसके ऊपर जैकेट इसके साथ कैरी कर सकते हो। इसको आप जींस के साथ, लेगिंग के साथ, प्लाजो के साथ, काफी वेराइटीज में आप इसे पहन सकते हो। सो अगेन इसे मैंने 100 रुपीज में परचेज किया था, एंड अगेन कॉटन फैब्रिक में ही है तो काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। सो गाइस, नेक्स्ट जो कुर्ती मैंने वहां से परचेज की थी वो है ये। सो ऊपर इसके इस तरीके से कॉलर बना हुआ है, उसके नीचे दो बटन है, और इसके नीचे फिर प्रिंटेड फैब्रिक स्टार्ट हो गया है जो कॉलर पे लगा हुआ है। सो ये कुछ इस तरीके से हाई लो काइंड है कुर्ती है ये। तो जो फ्रंट पार्ट है वो यहाँ खत्म हो गया है, लेकिन जो बैक वाला पार्ट है वो ये वाला है। सो फ्रंट पार्ट यहाँ कंप्लीट हो गया है और बैक पार्ट जो है वो लॉन्ग है। फ्रंट पार्ट पे ये प्रिंटेड फैब्रिक लगा है, जबकि जो बैक पार्ट है उस पे ये एकदम प्लेन फैब्रिक लगा हुआ है। फुल स्लीव है इसकी, और अगेन स्लीव के जो एंड पार्ट होता है उसपे अगेन फ्रंट पे जो फैब्रिक लगा हुआ है वही फैब्रिक यहाँ लगा रखा है। सो काफी एलिगेंट सी कुर्ती है, आप इसको अगर अच्छे से कैरी करो तो आप इसको कोई छोटे मोटे जो फंक्शंस होते हैं वहां पे इसे आप पहन सकते हो। सो गाइस, आप जैसा देख सकते हो काफी सी थ्रू है ये फैब्रिक, तो आपको इसके नीचे स्लिप्स हो गए या फिर कैमिसोल या स्पेगडी आप वेयर कर सकते हो, बट बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा कि अगर आप इसके नीचे स्लिप्स पहन ले तो। स्लिप्स जो है वो ऑनलाइन भी परचेज आप कर सकते हो, अदरवाइज आप उसे स्टिच भी करवा सकते हो किसी टेलर से।
सो गाइज ये वाली जो कुर्ती है वो मैंने परचेज की थी 140 रुपीज में। सो गाइज नेक्स्ट जो कुर्ती मैं आपको दिखाने वाली हूँ उस पे लगा था मेरा जैकपॉट, क्योंकि ये जो कुर्ती है ये मैंने रैंडम चलते हुए मुझे स्ट्रीट पे दिखी थी। तो ये जो कुर्ती है ये मैंने रेडी वाले भैया के पास देखी थी, तो मुझे वहां पे यही लग रहा था कि जब तक मैं वहां जाऊं तो कोई इसे टच ना कर ले, किसी को दिख ना जाए। तो वहां पे जाते ही मैंने सबसे पहले इसी कुर्ती को उठाया था ये देखने के लिए कि क्या ये कुर्ती रियल में वैसी ही है जैसे मुझे दूर से दिख रही थी। एंड गाइस जितना मैंने सोचा उससे ज्यादा सुंदर है ये कुर्ती, और जब मैं आपको इसका प्राइस बताऊंगी ना तब आपको समझ आएगा कि मैंने जैकपॉट वाली लाइन क्यों बोली थी। सो फ्रंट पे कुछ इस तरीके का नेक है इसका, एंड इसके जो सेंटर वाला पार्ट है वहां पे बटन लगे हुए हैं, और सबसे अच्छी बात है कि ये ओपन हो जाते हैं। एंड उसके नीचे की तरफ यहाँ पे बेल्ट के लिए लूप दिया हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि बेल्ट कहाँ है, तो मैंने बेल्ट पता नहीं कहाँ रख दी है, तो क्योंकि मैंने उसे एक और ड्रेस के साथ वेयर किया था, सो अब मुझे याद नहीं आ रहा। इसकी बेल्ट भी काफी अच्छी है, तो आप इसको एक बार ऐसे ही देख लो। और इसके वेस्ट वाली साइड से नीचे की तरफ बड़े बड़े बॉक्स बने हुए हैं, बॉक्स प्लेटेड कुर्ती है ये। बॉक्स प्लेटेड कुर्ती बाय द वे मैंने भी अपने चैनल पे आप लोगों के साथ शेयर की थी, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो उसे भी देख लीजिएगा, लेकिन इस वीडियो को खत्म करने के बाद में। ओके, तो ये बॉक्स प्लेटेड इस तरीके से बने हुए हैं, और यहाँ पे वेस्ट से यानी यहां से इसे यहां तक स्टिच किया हुआ है, और उसके बाद में ताकि आपके वेस्ट वाला पार्ट या फिर टमी वाला जो पार्ट है उसकी शेप अच्छे से आए, स्ट्रेट आए, उसके लिए ये काम किया हुआ है। मैंने भी सेम इसी तरीके से उसे स्टिच किया था। उसके बाद में ये नीचे से ओपन है, उसके नीचे से ये कुछ इस तरीके की है, और इसके बॉटम वाले साइड पे प्रिंट किया हुआ है क्रीम और ब्लू कलर में। एंड गाइस इसके स्लीव पे सेम वही प्रिंट है जो आपको बॉटम पार्ट पे मिल रहा है, एंड इसके स्लीव पे कुछ इस तरीके का वर्क है, 3/4 स्लीव है ये। सो गाइस काफी ज्यादा लंबी है ये, नीचे तक आ जाती, तो आप इसको एज अ ड्रेस भी वेयर कर सकते हो, कुर्ती ड्रेस भी वेयर कर सकते हो। सो काफी ज्यादा लॉन्ग है, तो इसके नीचे आप क्या वेयर कर रहे हो वो इतने ज्यादा से दिखेगा नहीं। गाइस इस कुर्ती की सबसे अच्छी बात है कि ये इसका जो मटेरियल है फैब्रिक का वो थिक है, तो इसके नीचे आपको एक्स्ट्रा कुछ भी वेयर करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो फिर आप इसके नीचे लेगिंग वेयर कर सकते हो, कैप्री पहन सकते हो, 3/4 पैंट जो आती है क्रॉप पैंट जो होती है वो आप इसके नीचे पहन सकते हो, या फिर शॉर्ट्स भी आप पहन सकते हो। एंड गाइज आप इसको छोटे मोटे फंक्शंस पे इजीली वेयर कर सकते हो, काफी अच्छा लुक आता है इसका। एंड अब बात करते हैं इसके प्राइस की। सो गाइज इसका प्राइस है 150 रुपीज। जी हाँ, इतनी अच्छी क्वालिटी, इतना अच्छा प्रिंट और इतनी अच्छी कुर्ती, सो मुझे ये कुर्ती सिर्फ 150 रुपए में मिल गई थी। अगर आप यही ऐसी ही जो कुर्तीज है ऑनलाइन साइट पे देखोगे तो आपको 750, 800, 950 कुछ इस तरीके से मिलेगी, बट 150 रुपए में ये कुर्ती मेरा जैकपॉट लग गया, आप यही कह सकते हो। सो आई रियली लाइक दिस कुर्ती। सो गाइज नेक्स्ट जो कुर्ती मैंने परचेज की थी वो है ये, और मैंने अगेन ये बापू मार्केट के जो शॉप्स होते हैं वहीं से परचेज की थी। सो ये कुछ इस तरीके की प्रिंटेड फैब्रिक है, सो ये कुर्ती ड्रेस कह सकते हो आप, क्योंकि इसके साइड्स पे भी स्लिट्स नहीं है। आप इसको एज अ कुर्ती वेयर कर सकते हो, एज अ ड्रेस वेयर कर सकते हो, काफी तरीके से वेयर कर सकते हो आप इसको। पहले मैं आपको कुर्ती दिखा देती हूँ। सो ये कुछ इस तरीके की कुर्ती है, इसका जो वेस्ट वाला पार्ट है वो और जो अपर पार्ट है वो दोनों अलग अलग स्टिच किए हैं, तो ये कुछ इस तरीके की है। सो काफी लॉन्ग कुर्ती है ये, और इसके साइड्स पे ऐसे डोरी दी है इसको टाई करने के लिए बैक साइड पे, ताकि जो आपके वेस्ट की फिटिंग होती है वो इससे अच्छी आती है। स्लीवलेस है ये, एंड गाइस इसके अंदर स्लीव के लिए फैब्रिक दिया है, सो अगर मुझे लगेगा तो मैं इसे स्टिच कर दूंगी, बट कोई फायदा नहीं है बिकॉज काफी छोटी सी स्लीव है जैसा कि आप देख सकते हो।
सो राउंड नेक है इसका. अगेन अगर ये ऑफिस वेयर और कॉलेज अगर जाना है तो उसके लिए काफी अच्छी कुर्ती है. और अच्छी बात यह है कि नेक जो है इसका काफी ज्यादा डीप नहीं है, तो इजीली कंफर्टेबली इसको वेयर किया जा सकता है. वैसे तो कॉटन फैब्रिक नहीं है ये, लेकिन काफी सॉफ्ट फैब्रिक है एंड हल्का सा सी थ्रू है. सो सेफ्टी पर्पज के लिए इसके नीचे पहनना ज्यादा बेटर रहेगा. अगर आप इसको एज अ ड्रेस वेयर कर रहे हो तो आप इसके नीचे एंकल लेंथ पैंट भी पहन सकते हो. जो क्रॉप पैंट आती है एंकल लेंथ से काफी ऊंची होती है, जो वो भी वेयर कर सकते हो. वो कैसे बनाते हैं वो उसका वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ. अगर आपने वो नहीं देखा तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से इसे देख सकते हो. एंड उसके साथ वेयर कर सकते हो, लेगिंग के साथ वेयर कर सकते हो, शॉर्ट्स के साथ वेयर कर सकते हो. और इसे अगर हम थोड़े अच्छे से इसे मैं अगर कैरी करूं तो मैं इसे छोटे मोटे फंक्शंस पे इसे वेयर कर सकती हूँ. मैंने इसका आपको प्राइस नहीं बताया. तो सो गाइज इस कुर्ती का प्राइस है 250 रुपीज. सो गाइज नेक्स्ट जो कुर्ती है वो उससे मिलती जुलती कुछ मैंने क्लब फैक्ट्री पे भी देखी थी, लेकिन क्लब फैक्ट्री पे इसका रेट जो मैंने परचेज किया उससे ज्यादा था. सो मुझे इस चीज की खुशी भी थी और तसल्ली भी होगी कि मैंने ज्यादा रुपए देकर इस कुर्ती को नहीं परचेज किया है, मैंने सही रेट में ये कुर्ती परचेज कर ली है. सो अगेन ये है एक कुर्ती ड्रेस. सो ये कुछ इस तरीके की है. सो गाइस इस कुर्ती के प्रिंट जो है वो काफी यू नो ब्राइट कलर है और काफी पहना हुआ भी काफी अच्छा लगता है. और सबसे अच्छी बात है कि जो इसका फैब्रिक है थिक है, तो सी थ्रू नहीं. अगेन इसका जो वेस्ट वाला पार्ट है उसमें इस तरीके से डोरी दी है ताकि आप इसे बैक साइड पे या फ्रंट साइड पे इसे टाई कर लो. अगेन पूरा ए लाइन टाइप है ये, काफी अच्छी फ्लेयर आ जाता है इसका. अगेन स्लीवलेस है, लेकिन इसके अंदर स्लीव वाला फैब्रिक दिया हुआ है. बट अगेन फैब्रिक की जो स्लीव है वो काफी छोटी है, आप देख सकते हो सिर्फ इतनी सी है. आगे से अगर आप स्लीव को स्टिच करोगे हाफ इंच उसमें चला जाएगा, 1 इंच तक जब आप यहां से इसको फोल्ड करते हो उसमें चला जाएगा. तो कितनी सी स्लीव रह जाएगी आप खुद इमेजिन कर सकते हो, लाइक इतनी सी. तो मुझे लगता है उससे ज्यादा बेटर यही रहेगा कि इसको स्लीवलेस ही कैरी करना. इसका नेक जो है वो कुछ इस तरीके का है. यहाँ पे इसके नेक जो है यहाँ पे राउंड है, लेकिन यहाँ पे हल्का सा कट है. आई थिंक नाउ यू कैन सी. सो पहनने के बाद काफी अच्छा लुक आता है इसका. अगेन क्योंकि इतने ब्राइट कलर्स हैं, इसको आप झुमकी के साथ वेयर कर सकते हो या फिर बड़े जो इयररिंग्स होते हैं उनके साथ भी इसे अच्छे से कैरी कर सकते हो. तो आप इसे छोटे मोटे फंक्शंस में भी पहन सकते हो. गाइस जब हम लोकल मार्केट से कोई चीज परचेज करते हैं तो इसका बेनिफिट एक यही होता है कि आप अच्छे से उसका फैब्रिक देख सकते हो कि कैसा है, आपको उसकी फिटिंग का थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है. सो ये चीज प्लस पॉइंट होती है इसकी. और आप थोड़ी बहुत बार्गेनिंग भी कर सकते हो. और सबसे अच्छी चीज ये है कि कई चीजों में आपको लोकल मार्केट में कम प्राइस में मिल जाएगा एज कम्पेयर टू ऑनलाइन. क्योंकि अगर मैं अब बात करूं मिंत्रा पे या फिर आजियो पे इतने अच्छे अच्छे सेल्स चल रही थी, कैशबैक भी आता है अगर आप कैश क्रो के थ्रू ऑर्डर कर रहे हो, बट स्टिल इतनी चीप प्राइस पे आपको नहीं मिलेगी कुर्तीज. और क्वालिटी वाइज में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, क्वालिटी वाइज भी काफी अच्छी क्वालिटी की कुर्तीज मुझे मिल गई है. सो मेरा ये वाला एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा. सो गाइज आई होप कि ये वीडियो देखने में आपको उतना ही मजा आया होगा जितना मुझे शूट करने में आया है. सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा. अगर आप जयपुर रहते हो या फिर आप जयपुर जाने का आपका प्लान है तो आप बापू मार्केट जरूर ट्राई कीजिएगा. एंड गाइज आपको ये वीडियो कैसी लगी या फिर आप फ्यूचर में किस तरीके की वीडियोस देखना चाहते हो, किस टॉपिक की आप वीडियो देखना चाहते हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. उसके साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए. आज के लिए इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग.